रिसेंटली आपने कुछ न्यूज़ सुनी होंगी कि कोविड की रिसर्ज वापस हो रही है, विच वॉज वेरी स्केरी। तो इतना पैनिक क्रिएट हुआ कि इनफैक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज ए टेक्निकल पर्सन्स, इतनी कॉल आना शुरू होगी, नॉट फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम माई होम, एवरीवेयर। अब क्या बनेगा, दोबारा क्या बनेगा, वट इज़ गोइंग टू हैपन। तो लोगों के मन में काफ़ी शंकाएँ भी हैं कि क्यों ऐसा होने वाला, क्या होगा फ्यूचर, पहले जैसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ हमने सोचा कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि पब्लिक शुड बी गिवन करेक्ट मैसेज। इनफैक्ट हम 2 वीकली बेसिस पे दोबारा भी मिल सकते हैं, ताकि वी शुड नो द प्रोग्रेस, ताकि एमनेस जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो। तो सबसे पहले मैं करना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले वी हैड आवर ओन मीटिंग विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कि फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया कि कोविड की रिसर्च वापस होने आएगी, कितने पेशेंट्स आएंगे, हमारे इंतजाम कैसे हैं, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आर नॉट। तो नेक्स्ट डे वी हैड ए मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ऑल द हेल्थ मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ ऑल स्टेट्स वर अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। इवन ICMR भी वहाँ थी, और ऑल द स्टेक होल्डर्स जो वैक्सीन बनाते हैं वो लोग भी वहाँ थे, स्टेक होल्डर्स वर देयर। तो टू स्टार्ट विद सम, मैं कुछ डेटा दूंगा कि द कोविड का जो कहते हैं एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है JN1, उसके कुछ केसेस वर्ल्ड में रिसर्च हुए हैं। तो पहला केस केरला में आया, एज यूजुअल पहला कोई याद होगा, कोविड भी साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज प्रॉब्ली दे ट्रेवल मोर फ्रॉम गल्फ एंड अदर प्लेसेस। एंड टिल डे बिफोर यस्टरडे द डेटा शोड दैट देयर आर अबाउट 3000 केसेज ऑफ ओमिक्रॉन, ए वेरियंट ऑफ COVID-19 JN1। My other experts will rather throw more light on this. If I am wrong, they will rectify me. In the country, and most of them, 95% were restricted to the south part of the country. Kerala mein the about 2000 cases, Karnataka mein koi 800, Maharashtra mein 40-50, baki rest of the countries mein. But jaisa ye socha gaya ki aisa nahi hota ki badi jaldi grow karenge, because festival season coming, new year aa raha hai, log travel karte hain, to badi jaldi criss cross hoke puri country mein ye phail jata hai. तो उसी पोजीशन को लेके इट वाज डिसाइडेड व्हाई वी शुड बी, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट आर नॉट, और हाउ दिस वेरिएंट इज गोइंग टू बिहेव फॉर फ्यूचर। तो सो फार जो डेटा हमें मिला है उसके बारे में शेयर करूंगा कि सो फार 3000 केसेस में, अबाउट 3000 केसेस में से 92% केसेज ऐसे विच आर मैनेज एट होम, होम केयर आइसोलेशन। दैट मीन्स दिस वेरियंट इज प्रॉब्ली वेरी माइल्ड वन, इट इज़ नॉट ए वेरी सीवियर वन, दिस इज जस्ट ए वेरी इनिशियल फाइंडिंग, थिंग्स मे चेंज इन फ्यूचर, बट सो फार वी से द मैसेज वॉज गिवन टू अस बाय द मिनिस्ट्रीज आर दैट प्लीज देर इज नो नीड टू पैनिक, बट एट द सेम टाइम इट वॉज कन्वे टू अस एट लोन, डोंट लोअर योर गार्ड। और ओनली 15 से 18 पेशेंट्स थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 3% पेशेंट थे जो ICU में गए, उनको एनालाइज किया गया, कहते जो ICU में गए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, मोस्टली वो पेशेंट थे जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, दैट मीन्स दोज वर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम अदर सीवियर डिजीज, किसी को हाइपरटेंशन थी, किसी को डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, सब डायबिटिक्स को नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड थी, किसी को कैंसर था, मेलिग्नेंसी थी, किसी को किडनी फेलियर था, किसी को हेपेटिक फेलियर था, सीवियर फॉर्म, नॉट द कंट्रोल्ड वन। सो एक पैनिक ये भी खत्म होना चाहिए कि जिन सबको डायबिटीज़ है क्या सब वो ससेप्टेबल है, ऐसा नहीं है। सो फार जो पिक्चर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मे बी दिस इज़ ए वेरी इन्फेक्टिव, जल्दी फैलता हो, बट मोर्टैलिटी फर्टैलिटी ज़्यादा नहीं है, बट थिंग्स मे चेंज, इट इज़ वेरी इनिशियल। तो इसलिए हमें बोला गया कि अपने आप को गार्ड जो है ना, अपने आप को गार्ड पे रखिए, लोअर मत कीजिए। तो कुछ सजेशंस दी गई मिनिस्ट्री की तरफ से, इनफैक्ट हमने SOP भी बनाए उसी बेस पे। पहली सजेशन दी गई कि 2 टाइप की इलनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, एक कहते हैं ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सेकेंड इज SARI सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 2 कैटेगरी के इलनेसेज ऐसी हैं, सपोज किसी का गला ख़राब होता है, गले में खराश होती है, फीवर होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, या छाती जाम है, खटखट कर रही है, तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना है और मेडिकल OPD में डॉक्टर्स को मिलना है, दे शुड नॉट सिट एट होम। फीवर और सोर थ्रोट, माई अदर टीम मेम्बर्स विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस, इस पर ज़्यादा आपको बताएंगे। तो सेकेंड पॉइंट ये बताया गया कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, पहले ऑलमोस्ट आपने देखा कोविड की टेस्टिंग खत्म ही हो गई थी बीच में, इवन मैं अपने सेंटर में पता किया कि हम रूटीन में नहीं कर रहे थे, किसी किसी का कर रहे थे, तो दिस हैज़ टोटली चेंज नाउ, वी आर नाउ इंक्रीजिंग अ टेस्टिंग, अवर माइक्रोबायोलॉजी हेड विल ऑलवेज टेल यू, अभी बताएंगे आपको टेस्टिंग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक RAT होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट,
एक होता है आरटीपीसीआर, दोनों की कितनी एक्यूरेसी इस पर ये भी आपको बताएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि टेस्टिंग बढ़ा दीजिए, कोई भी सस्पिशियस केस है उसकी टेस्टिंग कीजिए, जिसकी हम मैं बताऊं हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर हरजीत बताएंगे फील्ड में कैसा है, जीएमसी का पार्ट मैं बता पाऊंगा। तो हमने इनफैक्ट दो कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा जीएमसी में, दूसरा होगा एसएमजीएस में, जहां पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क ज़रूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा कि बुज़ुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज़ कैच कर घर में बुज़ुर्ग को देगा। तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफ़ेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क ज़रूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये। इनफैक्ट दो कियोस्क भी सेट किए हैं, एक होएगा जीएमसी में, दूसरा होगा एसएमजीएस में, जहां पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। और ये भी बता दिया कि किसको टेस्टिंग करवानी है, वो भी बता दिया। थर्ड पॉइंट इज़ यूज़ ऑफ मास्क। अगेन आई स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताएं, जो क्राउडेड प्लेसेस पे जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे जा रहा है, उसको मास्क ज़रूर पहने, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो। डिफ्रेंशिएट मत कीजिएगा कि बुज़ुर्ग है उसी को पहनना है। मैं यंग हूँ, मेरा बेटा यंग है, वो डिजीज़ कैच कर घर में बुज़ुर्ग को देगा। तो मास्क इज़ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव, सस्ता और इफ़ेक्टिव मेजर है इसको कंट्रोल करने का। तो सबको एडवाइस कीजिए मास्क ज़रूर पहने, सबसे सस्ता तरीका ये। नेक्स्ट हमने किया कि दोस्त पेशेंट जिसको एडमिशन चाहिए होगी उसका क्या किया जाए। हमने एसएमजीएस में एज वेल एज जीएमसी में अपने वार्ड आइडेंटिफाई कर लिए। आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास 30 बेडेड है और एक वार्ड नंबर 3 है। मेडिसिन हेड बताएंगे कितने बेड्स यहाँ क्रिएट किए गए, कितने पेडियाट्रिक्स में क्रिएट किए गए। डॉक्टर घनश्याम सैनी भी आपको इस बारे में बताएंगे, ताकि जो पेशेंट सिक है, वो रिक्वायर्स एडमिशन, इज इमीडिएटली एडमिटेड एंड गिवन बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, वो हमने डिसाइड किया है कि अपने ऑडिट करेंगे और कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं होने देंगे किसी भी हॉस्पिटल में। जो जो प्लांट ख़राब है उसको रिसर्च सर्विस किया जाएगा, ताकि जितनी ऑक्सीजन से ज़्यादा कैपेसिटी हमारे पास हो, तभी कोई भी मुश्किल ना आए, कोई ऑक्सीजन के अभाव में किसी को परेशानी ना हो। और मेडिसिंस का किया गया, जो जेके सप्लाई कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट की गई कि सारी मेडिसिंस की रिक्वायर, इनफैक्ट बहुत कम मेडिसिन ज़रूरत होती है इसके बारे में। प्रिवेंशन और आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में आई थिंक डॉक्टर फयाज बताएंगे आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, मगर मैं ये बताऊँ कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड, वी आर गियर्ड अप। और मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले हमें मॉक ड्रिल करने की, वो भी हम करेंगे। सर एक आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट, हाँ बोलिए। मॉक ड्रिल हुई थी, उस ड्रिल के बाद क्या खामियां निकल के आई? अभी मॉक ड्रिल हमने की, अभी की एक आई थिंक मेरे बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या खामियां निकली हैं इसमें और क्या क्या रहेगा इसमें। आशुतोष जी, मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि पहले सैनिटाइज पे बहुत जोर दिया जाता था कि जब भी कहीं पे होता था तो सैनिटाइज और मास्क, एग्जैक्टली सेम चीज, सेम एग्जैक्टली सैनिटाइजेशन, हाथ हैंड मोस्टली आपके जो है ना इन्फेक्शन जाएगी। हाथ ऐसे किया, यहाँ लगाया, हाथ यहाँ लगाया, किसी को टच किया, सेम प्रिंसिपल ऑट बी फॉलोड, नो चेंज प्लीज। तभी मैंने बोला दो टाइप ILI एंड सॉरी, दूसरा बोला सारी, सिम्टम सिमिलर रहेंगे बट हमारी टेस्टिंग कोशिश करेंगे उसको आइडेंटिफाई, JN1 को आइडेंटिफाई करें और बाकी वायरल। इनफैक्ट हमने कल ये भी सलाह अपने डिसीजन लिया कि मल्टीप्लेक्स टेस्ट करेंगे, डॉक्टर संदीप बताएंगे इसके बारे में, ताकि कौन सा किस्म का वायरस है वो भी आपको जानकारी, JN1 के अलावा भी कौन सा वायरस है वो भी हम आपको जानकारी दें, ताकि पिछले हफ्ते आपने एक रेफर किया, उसमें क्या क्या खामियां आपकी निकल कर आई हैं और क्या क्या चीजें बोलेंगे इसके बारे में आगे भेजा, क्या मैं इन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखिए मॉक ड्रिल बेसिकली क्या है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ हमारी मॉक ड्रिल रेगुलरली चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर 6 महीने का हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं। और मॉक ड्रिल में बेसिकली एक तो HR का देखा जाता है कि कितने हमारे पास डॉक्टर्स ट्रेंड हैं, दूसरा देखा जाता है हमारे इक्विपमेंट, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वो कितने फंक्शनल हैं, तीसरा देखा जाता है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो ये हमारी रेगुलर मॉक ड्रिल होती है, इसमें हमारा मोर देन 90% ऑफ द इक्विपमेंट इज फंक्शनल जो हमारे देखा, और जो रेस्ट 10% है उसको हमने जो रिपेयर्स होती हैं या उसकी सर्विसिंग होती है मेंटेनेंस वो करवा दी है। आशुतोष जी, आई हैव वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके दफ्तर से कोई बुलेटिन शाम को निकला करेगा कि आज कितने कोविड पेशेंट्स आए हैं,
या कितने ठीक होके चले गए, या किसी को आप कोई पत्रकार जो संबोधित कर लेंगे, किसी डॉक्टर को कोई नॉमिनेट किया गया है? डेफिनेटली आई थिंक डॉक्टर हरजीत तो आगे नॉमिनेटेड है और सारा डेटा इनके थ्रू आपको मिलेगा। इनफैक्ट हमारा ग्रुप भी है जिसमें आपको रेगुलरली मीडिया ग्रुप भी है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से लैकिंग ना हो, हम आपको इन्फॉर्म्ड रखें। मोस्ट इस टाइप की इंस्टेंसेस क्या होता है, जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ मोर डेंजरस देन द इलनेस। सो हम चाहते हैं आपको इन्फॉर्म्ड रखें। और हमारा मीडिया ग्रुप में अंशु है इधर, अंशु हमारा मीडिया ग्रुप में हमारी अंशु है, उसका नंबर भी शेयर कर देंगे आपको, आप उनसे तो टेलीफोन करके आई थिंक डेली और आई डोंट थिंक अभी डेली जरूरत होगी, वीकली जरूरत होगी, बट फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, डेली भी हम इंटरेक्ट करेंगे आपसे। ये जो टेस्टिंग हो जाएंगी ये कब से कल से शुरू हो जाएगी? चल रही है टेस्टिंग इज गोइंग ऑन, कियोस्क हम बनाएंगे और फ्यूचर को हम देख देख के इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे एज पर द सिचुएशन टेल्स अस। नहीं अभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो लास्ट केस कोविड बताएं, लास्ट केस इससे डॉक्टर बताएंगे अबाउट लास्ट हिस्ट्री ऑफ सिक्स मंथ में कोविड में क्या क्या यहाँ पे रहा। JN1 का जो जो कंफर्मेशन अभी तक पूरे इंडिया में 21 केस इसके कंफर्म हैं अभी तक पता लगे हैं, वो उसमें से कोई भी यहाँ से कोई नहीं है, नॉर्थ से साउथ से ज्यादा, दिल्ली से भी शायद एक आधा केस हुआ है, उसके ऊपर नॉर्थ से टू बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज नहीं है। महाराष्ट्र केरला से ज्यादा केसेस, केरला से कर्नाटक से महाराष्ट्र से गोवा से भी, गोवा से भी। क्या यू एडवाइज टू द पीपल डोंट गो टू द पिकनिक आर? मैं पैनिक नहीं क्रिएट करूंगा। देखिए आप आई वॉन्ट एवरी वन टू हैव ए, वट इज योर सजेशन? सजेशन इज यूज मास्क, सैनिटाइज एंड कॉशन, अवॉइड ओवरक्राउडेड प्लेसेस, अवॉइड ओवरक्राउडेड प्लेसेस डेफिनेटली, प्रिवेंटिव मेजर्स को स्पेशली जो सिक वंस है दे हैव टू आइसोलेट देमसेल्फ। नहीं वहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए अगर वो इमरजेंसी केटर नहीं करते हैं, हमारे अभी तक GMC और SMGC इमरजेंसी को केटर कर रहे हैं ना, अगर सुपर स्पेशलिटी में भी कोई पेशेंट आता है ही विल बी सेंट हियर। हाँ इसके बारे में बात करूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह था कि जो पुरानी वैक्सीन है इज दैट इफेक्टिव आर नॉट टू टेक केयर ऑफ दिस वेरिएंट आर नॉट, इस पर ICMR के एक्सपर्ट्स भी बोले थे, स्टडीज चल रही हैं, वैक्सीन को अपडेट कराना है या सेम बूस्टर लगाना है इस पर अभी क्लैरिटी नहीं हुई। वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस जारी करेंगे, अभी क्लैरिटी, अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है, आई वोंट से क्लैरिटी नहीं हुई है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, दैट इज इन द डोमेन ऑफ ICMR। क्या चीज? वेंटिलेटर की हमारे पास कितने? ओ वी हैव 92 बेड्स हियर एंड 26 बेड्स इन सुपर स्पेशलिटी।